देखो दोस्तों, हर एक OTT प्लेटफॉर्म की जान एक सीरीज होती ही है। जैसे कि हॉटस्टार जब लॉन्च हुआ तब उसका पहला हिट शो था स्पेशल ऑप्स, नेटफ्लिक्स का सेक्रेट गेम्स और मनी हाइस्ट, वैसे ही अमेजोन प्राइम का मिर्जापुर, और वैसे ही जियो सिनेमा रिसेंटली इंडिया में एज OTT लॉन्च हुआ है और उसका पहला ओवर द टॉप हिट शो है असुर का दूसरा सीजन। इस सीरीज का रिव्यू आपने अब तक देख ही लिया होगा बहुत सारी YouTube चैनल्स पर, लेकिन मैं आज आपको ये सीरीज कैसी है, क्या स्टोरी है, एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, ऐसी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तक सब लोगों को पता लग ही गया होगा कि ये सीरीज जबरदस्त है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन हिस्ट्री में आज तक ऐसी सीरीज नहीं बनी और शायद कभी नहीं बनेगी। तो मैं आज इस सीरीज को देखने के 5 रीजंस बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अजूर सीजन 2 का सबसे खास बात है सरप्राइजिंग मोमेंट्स। ये सीरीज एकाध जगह को छोड़कर प्रेडिक्टेबल बिल्कुल नहीं है, मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं। हर एक एपिसोड में आपको एंड में क्लिफ हैंगर के साथ छोड़ा जाता है, जिससे कि आपको जल्दी से इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना ही पड़ता है। सीरीज में कुछ भी बेवजह नहीं होता, मतलब अगर कोई किडनैप हुआ है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होती है। इस सीरीज को देखने का दूसरा रीजन है कनेक्शन विद द स्टोरी। देखो यार, मेरे हिसाब से हर एक मूवी या सीरीज में 3 तरह के सस्पेंस होते हैं। एक में ऑडियंस और स्क्रीन के अंदर के कैरेक्टर दोनों को कातिल का पता नहीं होता, दूसरे में ऑडियंस को कातिल का पता होता है लेकिन एक्टर्स को नहीं होता, और तीसरी तरह के सस्पेंस में ऑडियंस और स्क्रीन के अंदर के कैरेक्टर दोनों को कातिल का पता होता है, इसलिए ऑडियंस इन एक्टर्स के साथ ही चलती है और खुद को उस मूवी से कनेक्ट कर पाती है। असुर भी कुछ इसी तरह से अपनी ऑडियंस को अपने सस्पेंस और थ्रिल के साथ कनेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा सफल रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रीजन नंबर 3 है एंगेजिंग स्क्रीन प्ले। ऐसा कहा जाता है कि स्क्रीन प्ले किसी भी मूवी की जान होता है, वो ऑडियंस को अपने साथ जोड़ के रखता है। जैसे कि असुर में हमें हर चीज साफ पता लगती है, जैसे कि कातिल का मोटिव और उसका तरीका, वैसे ही पुलिस का मोटिव और उनका तरीका, हर एक चीज साफ दिखती है लेकिन हर चीज पर से धीरे धीरे पर्दा उठता है। हाल ही में हमने दहार सीरीज देखी थी, उसमें विलन का पता हमें शुरुआत से ही चल गया था, लेकिन सिर्फ उसका मोटिव जानने के लिए हमें ये सीरीज एंड तक देखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको हर चीज धीरे धीरे पता लगती है, जिसकी वजह से आप सीरीज के साथ बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग और कनेक्टेड महसूस करते हैं। रीजन नंबर 4 है बैलेंस बिटवीन रिलीजन एंड रियलिटी। असुर सीजन में हमें बार बार महाभारत, कल्कि, कलि, ब्रह्मा, विष्णु, असुर ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं। सीरीज में बार बार धर्म और रियलिटी के बीच एक जंग चलती है। जैसे ही धर्म तर्क पर हावी होता है, तुरंत एक नया धर्म आ जाता है, किलर धार्मिक रेफरेंसेस लेकर दुनिया को अधर्म की तरफ मोड़ रहा है, पर इस सीरीज के मेकर्स ऐसा होने नहीं देते, तुरंत ही एक नया तर्क लाते हैं और धर्म को जीवित रखते हैं। कमाल की बात यह है कि डायलॉग्स इस तरह से लिखे गए हैं कि ईश्वर में मानने वाले जितने लॉजिकल है उतने ही ईश्वर को ना मानने वाले, इसलिए ये सीरीज रिलीजन और रियलिटी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना के रखती है। रीजन नंबर 5 है एक्टिंग। देखो, कैसी भी स्टोरी हो, कैसा भी स्क्रीन प्ले हो या कैसे भी डायलॉग्स हो, अगर एक्टिंग अच्छी ना हो तो सब फेक। लेकिन इस सीरीज में सभी एक्टर्स ने बढ़िया एक्टिंग की है, मतलब किसी के भी चेहरे से सस्पेंस आपको पता नहीं चलता, जो सस्पेंस है वो एंड तक सस्पेंस ही रहता है जब तक डायरेक्टर ना चाहे। स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा शुभ का कैरेक्टर निभाने वाले विशेष बंसल और अरशद वारसी, इन दोनों की एक्टिंग बहुत ही नेचुरल लगती है। इसी के साथ कुछ नए कैरेक्टर्स भी ऐड हुए हैं जिनका काम बहुत बहुत बढ़िया है, तो असुर सीजन 2 एक्टिंग के लिए भी आप देख सकते हैं। वैसे तो और बहुत कुछ है बताने को, लेकिन अभी तक शायद बहुत सारे लोगों ने असुर का दूसरा सीजन नहीं देखा होगा और इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा,
लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर असुर सीजन 2 नहीं देखा तो एक बार जरूर देखो, इंडिया में आज तक ऐसी सीरीज नहीं बनी और हु नोस नेवर से नेवर। ऑलराइट दोस्तों, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस सीरीज को देखा है तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, और इस वीडियो में हमारी सोच अगर कहीं पे मिलती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ठोक देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।